आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोग भी घर पे बनाना चाहते हैं विदाउट एनी ऑयल विदाउट एनी मैस। आज फोन का कल्याण होने वाला था, हमें पता ही नहीं चला, हम इतना मस्त थे व्लॉग बनाने में। मॉर्निंग आप सब लोगों को, नए दिन की नए व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। तो हेलो नमस्ते सलाम सस्तान, स्वागत अमेरिकन देसी व्लॉग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और वीडियो तो जरूर देखिए। करते हैं आज नए व्लॉग की शुरुआत, लेकिन प्रभु का नाम जैसी ना। सुबह सुबह हमें आना पड़ रहा है पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट ऑफिस ने बड़ा पंगा डाल दिया, पंगा पता नहीं पोस्ट ऑफिस ने डाला है या अमेज़न ने डाला है। पंगा ये पड़ा कि हमारा आना था पैकेज, पैकेज हमारा कल आना था। कल पोस्ट ऑफिस का हमें मैसेज आ गया कि सेंडर जो है, जो उसने रिक्वेस्ट की है कि पैकेज को होल्ड करे पोस्ट ऑफिस में। मैं हमारे जितने भी पैकेज आते हैं हमारे घर पे ही आते हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है। हमने तो रिक्वेस्ट डाली नहीं थी, अपेरेंटली अमेज़न की तरफ से ग्लिच चल रहा था, उन्होंने उनकी तरफ से हो गया कि होल्ड कर लो पोस्ट ऑफिस में और पैकेज आकर लेके जाएंगे। और हमारा पैकेज बड़ा काम का था तो हमें आना पड़ा। काम का इतना बड़ा तो नहीं था, बट छोटा सा चीज जो हमने मंगवाई थी, हमने सोचा था कि आप लोगों के साथ कल शेयर करेंगे, बट कल हमारा पैकेज आया नहीं, तो अभी हमें खुद आना पड़ा। अंदर चलते हैं, पैकेज लेके आते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। भाई साहब अब फिर से काम हो गया, अंदर में खड़ा रहा वो बंदा, अंदर चेक करने गया तो 15 मिनट बाद आया और बोलता है कि कल हमने होल्ड किया हुआ था आपका पैकेज, बट आज वो फिर से डिलीवरी के लिए लड़की ले गई है, तो आपके घर पे आज पैकेज आ जाएगा। अब देखते हैं आपका शाम को कब आता, दोपहर को आता। मैंने उसको बोला भी, अभी स्टेटस तो शो कर रहा है कि पिकअप कर सकते हो आप, तो कहता या बट वी डिडंट स्कैन इट, तो इसीलिए अभी वो डिलीवरी वाली जो वैन आती है वो ले चुकी है और वो जा चुकी है। वो सुबह सुबह निकल जाते हैं 6 बजे, तो तुम्हारे घर पे वो 2 बजे तक आ जाएगा। अब पता नहीं आता या नहीं आता, यही पंगा होता है इनका। कि अभी मैं देखने भी आया था कि है पैकेज, तो अभी बोल रहे हैं नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं खुद तो नहीं जा सकता पीछे। बट बोल रहा बंदा कि वो डिलीवरी लेने लेके चली गई और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। A few moments later. टाइम हो गया, 2 बज गए हैं, अभी हमें मैसेज आ गया कि हमारा पैकेज डिलीवर हो गया। बंदे ने बोला था 2:15 बजे तक आ जाएगा और अभी 2 ही बजे थे और साथ में बंदा डिलीवर करके चला भी गया, बाहर तो नहीं रख के गया, बट अभी मेल बॉक्स में देखते, शायद मेल बॉक्स में डाल गया होगा। बट आ गया अपना पैकेज, और पैकेज आ गया है, ये यही लेने गए थे हम सुबह और अभी डिलीवर हो गया है। अब इसमें क्या आया है आप लोगों को दिखाते हैं, जल्दी जल्दी इसको ओपन करते हैं। बादल देखो पीछे कितने, इधर साफ है पूरा मौसम, इधर देखोगे आप पूरे काले काले बादल आए हुए हैं। ओपन कर सकते हैं, 2 चीज़ें आई हैं इसमें, एक चीज़ है ये, एक के बीच में एक ही रखा हुआ, जो हमें चाहिए थी वो आई है कि ये भेजा है इन्होंने इसको। ये देखो आप, ये माउंटिंग स्क्रू है, बट ये कहाँ पे लगेगी क्या है वो आप लोग इस व्लॉग के बाद में देखना। थे व्लॉग बनाने में और वीडियो बनाने में 360 में, और मतलब पता ही नहीं चला। आप लोगों ने पिछली क्लिप में देखा ही होगा कि कैसे फोन पड़ा हुआ था और होने लगा था कल्याण। जब घर पे आए तो हमें पता चला कि फोन कहाँ है, फोन कहाँ है। तब तो मुझे याद आया कि जब मैं व्लॉग बना रहा था, जब आप लोगों के साथ अपना पैकेज ओपन कर रहा था, तब हमने फोन अपना अपने बोनट पे रखा था और वहीं पे पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा गया हो गया काम, हो गया काम, जब बाहर गए तो फोन वहीं पे पड़ा हुआ था। बट
ऐसी चीजें हो जाती हैं, बंदा मतलब जल्दी जल्दी में भूल ही जाता क्या क्या कर रखा है। बट एनीवे कुछ हुआ तो नहीं, बच गए, बाल बाल बच गए, हमारा फोन भी बच गया, फोन गिरा नहीं, ये अच्छा हो गया। हमने ये पीछे टुप्पी सी लगाई हुई है, इसको रिंग पॉप बोल देते हैं जो भी फोन खड़ा करने के लिए। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। जो हमारा सेटअप है 360 का, वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी हमें थोड़ा काम से जाना पड़ रहा है, इसलिए हम वहाँ पे जा रहे हैं, और काम से होके जब हम आएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कैसे हमने अपना 360 कैमरे को सेटअप किया था हमारी गाड़ी के ऊपर। काम की चाय पीते हैं, इस बार आप लोगों के साथ चाय भी शेयर करेंगे, और आप लोगों को एक और अच्छी ट्रिक हम दिखाएंगे, वो आप लोगों को जब दिखाएंगे तब बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। चाय अपनी बन गई है, शाम का टाइम हो गया है, अभी हम घर पे आ गए थे। दीपिका आपको फ्रेम्स खाने, फ्रेम्स फ्राई फ्रो नहीं, मैं अभी मैंने एक चीज सीखी है, मैं आपको एक डेढ़ मिनट में इसको बनाकर दिखा दूंगा विदाउट एनी ऑयल। ए फ्रेम्स फ्रेंड्स हम इतने खाते होते तेल के बगैर, तेल के बगैर आपने खाने हैं तो बताओ। चलो फिर मैं दिखाता हूँ। ये फ्रेंड्स ऊपर से खोला हुआ लिट्टी हमने एक बार बनाए थे, बट इसको हमने पूरा फ्राई वगैरह किया था तो उसलिए खोले थे, बट अभी ऊपर से हमने खुला हुआ पैकेट ही अपना निकाल लिया, और अभी हम दीपिका को इसको डेढ़ मिनट में बना कर दिखाते हैं। हमने ट्रिक सीखी है टिकटॉक से, चाइना मुझे ट्रिक सीखी है टिकटॉक से, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोग भी घर पर बनाना चाहते हैं विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी मैस, एक डेढ़ मिनट में आपके फ्रेम्स बन के क्रिस्पी पूरी तरह रेडी हो जाएंगे, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमने फ्रेम्स रख दिए, आवाज कम करो थोड़ी बिग बॉस। ये हमने फ्रेम्स रख दिए, अभी आप लोग सोचो कि इस प्लेट में क्यों रख दिए, क्योंकि हम इसको तल नहीं रहे, हम एयर फ्रायर में भी नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं इसको माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में इसको ऐसे रख के एक मिनट पे रख दो, और क्रिस्पी के क्रिस्पी पूरी तरह फ्रेम्स बन जाएंगे। इंडिया वाले फ्रेम्स हैं फ्रेंड्स, जैसे हम रेडियो पे भी खाते होते थे, बट एक मिनट पे इसको रखना है ऐसे कैसे, और आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ। और माइक्रोवेव में हमने रख दिया, एक मिनट पे रख दिया, टाइम देखोगे आप 55 सेकंड हो गए, और अभी इस पे होने शुरू हो जाएंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। इसके बीच में आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ऑलमोस्ट डन हो रहे हैं, निकालते हैं, और फ्रेम्स देखो अपने कितने बढ़िया हो गए, और चाय भी उबल गई। और लीजिए फ्रेम्स रेडी हैं, जब बेटा फ्रेम्स मैंने रेडी कर दिए, लो ट्राई की देखिए, ट्राई करो कैसे लगे। यार ये तो बहुत बढ़िया है ना, ये एक डेढ़ मिनट में पूरे के पूरे फ्रेम्स रेडी। लो फ्रेंड्स आप भी घर पे बनाओ, फ्रेम्स लेके आओ, माइक्रोवेव में इसको एक मिनट पे रखना है, 5-6 फ्रेम्स हमने रखे थे, एक मिनट पे रखो। सीरियसली मैजिक, व्हाट्स मैजिक, सीरियसली, ना कोई तलने का टेंशन, ना कोई मतलब कि ऑयल पी रहे हो आप, कुछ ऐसी कोई टेंशन नहीं, प्लेन विदाउट ऑयल फ्रेम्स, एक मिनट में रेडी, घर पे बनाओ और खुश हो जाओ। Thank you for sharing this idea with everybody. और शाम की चाय हमने बना ली है, आजा फ्रेंड्स शाम की चाय पीते हैं, और साथ में हम फ्रेम्स खाते हैं, और साथ में हम बिग बॉस देखने लगे हैं। आई लव यू। ओके फ्रेंड्स आप लोगों को हम थोड़ी देर में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को, एक बार फिर से नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। कल हमने शाम को चाय वगैरह पी, डिनर किया, हमारा सिंक जो है किचन का वो बहुत क्लॉग्ड अप हो गया, उसी के पीछे लगे रहे तो हम व्लॉग को एंड नहीं कर पाए। और मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे मैंने सेटअप किया हुआ है अपनी जीप के ऊपर अपने 360 कैमरे का, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, फिर इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। और आप यहाँ पर हमारा कैमरा लगा हुआ है, ये GoPro की माउंट है, ये बहुत जो GoPro की नीचे की माउंट आती है वो बहुत स्टिकी होती है, तो इसके ऊपर हमने साइड पे चिपका दी है। ये पूरा GoPro का सेटअप है, इस पर GoPro भी हमारा लग सकता है, बट हमने जो हमारी अडाप्टर जो हमारी मेल में आया था वो इसके ऊपर चला जाता है, और उसके ऊपर हमारा 360 कैमरा लग जाता है। कैमरा अंदर पड़ा है इसलिए अभी हम लाए नहीं, बट हमारा जो सेटअप है वो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर माउंट चली जाती है, उसके ऊपर जो इसका अडाप्टर है
वो लग जाता है और कैमरा हमारा यहाँ पे फिट हो जाता है, तो हमारा 360 का कैमरा यहाँ पे अटैच हो जाता है। मौसम भी बहुत बढ़िया, धूप निकली हुई है, कल बहुत ही बढ़िया मौसम होने वाला है बोल रहे हैं। टेम्परेचर थोड़ा राइज अप हो जाएगा और धूप भी निकलेगी। आज भी धूप निकली हुई है बट आप लोगों को हवा दिख रही होगी, हवा बहुत तेज चल रही है। सोचा तो था कि आज बाइक पे चलते हैं, कहीं पे गेड़ी गुड़ी मार के आते हैं, बट हवा इतनी चल रही है वो भी ठंडी ठंडी, तो मन नहीं कर रहा। टेम्परेचर अभी 3 है तो अभी सोच रहे हैं कि जाए, बट अभी मन भी नहीं कर रहा कि ना जाए। अभी देखते हैं क्या करना है, जो भी होगा देखी जाएगी। अगर गए तो व्लॉग बना लेंगे, अगर नहीं बुलाए तो हम कल जाएंगे, कल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पर नहीं गाइस, इस व्लॉग को अभी यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको आज की व्लॉग अच्छी लगी तो मेरे लाइक बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर कर लिए तो आगे से आगे शेयर करना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। हैव अ गुड नाइट गाइस।